तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 7:30 और अभी धूप भी निकल चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं थोड़ी ट्रैकिंग के साथ। यहाँ दोस्तों आज हम जा रहे हैं थोड़ी ट्रैकिंग पे, और उसका जो है मेन रीज़न है दोस्तों, जो हमारा सिंचाई वाला पानी जो है दोस्तों, ये जो पाइप आप देख रहे हैं मेरे घर के सामने, ये जो है काफ़ी समय से जो नहीं आया दोस्तों, क्योंकि अभी बरसात में जो है ये जो है टूट चुका है दोस्तों। तो इसको लगाने हम जा रहे हैं, दो तीन बंदे और भी है मेरे साथ, दो बंदे और मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि अब इसके आगे बारिश तो वैसे भी होने नहीं है, तो पानी का जुगाड़ जो है वो अभी करना पड़ेगा। वैसे पानी तो अभी दो तीन पाइपों में आ रखा है, पर वो जो है मोटी वाली पाइप है जिससे कि 3 या 4 स्प्रिंकलर हमारे चलते हैं। तो साथ में थोड़ी ट्रैकिंग भी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तक जो है थोड़ा रास्ता जंगल से है दोस्तों, और हम वहाँ पे जाके जो है उसकी मरम्मत करेंगे। तो दोस्तों ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि वहाँ का जो रास्ता है वो बहुत ही डेंजरस है, और बने रहिए इस ब्लॉग मेरे साथ। और ये हम पहुँच चुके हैं इस लोकेशन में। तो दोस्तों हम अभी पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में, और ये भाई लोग अभी चलते हुए, अभी 10% रास्ता भी कवर नहीं हुआ है शायद, अभी बहुत सारा रास्ता और है ट्रैकिंग के लिए। और ये चढ़ाई आप देख सकते हैं किस तरह की है, खड़ी चढ़ाई है। तो हम पहुंच चुके इस लोकेशन पे, अच्छा था हमने, और यहाँ से हम जाएंगे अभी टॉप पे जहाँ आपको बादल दिख रहे हैं, और वहाँ से जाएंगे हम पर की साइड। तो अभी यहाँ से आप चढ़ाई जो है हमने कम्प्लीट, पहले खूड़ के पास पहुँचा, पहले खूड़ के पास ये है, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं गुजर, ये है गुजरों का रेजिडेंस। जब वो यहाँ आते हैं तो 2 या 3 महीने तक अपने मवेशी रखते हैं, और इसमें खुद भी रहता है दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये छोटी सी झील है लाल पानी की, इसका कलर जो है दोस्तों लाल है, ये आप देख सकते हैं मेरे सामने। और यहाँ का दृश्य तो दोस्तों देखते ही बनता है, क्योंकि यहाँ जो है अभी गर्मी का एहसास भी बहुत ही कम हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी सर्दी जो है हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई है, और दिवाली के लिए भी लगभग 6 या 7 दिन मात्र बचे हैं। दिवाली के आसपास ही हमारे जो ये चोटियाँ हैं चूड़दार की, जो ऊपर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बर्फबारी हो जाती है दोस्तों। तो अभी टेम्परेचर तो है लगभग यहाँ पे 10 या 15 के आसपास ही होगा, इससे ऊपर टेम्परेचर जो है यहाँ नहीं रहता। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ से अब लगभग चूड़धार भी 1 या 1.5 घंटे की चढ़ाई पे है। अभी हम चल रहे हैं ऐसे गिरे पड़े पेड़ों के बीच, क्योंकि रास्ता भी यहाँ पे बहुत ही स्टीप है, और जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं, क्योंकि पिछली बरसात में जो है दोस्तों सूखे पेड़ जो है वो कईयों बिजली के कारण टूटे हुए हैं, तो रास्ते में बिखरे पड़े हैं। और अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने ये है पेड़ मेरे चारों ओर। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, यहाँ का नाम है तालाधार, जी हाँ दोस्तों। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ की ब्यूटी देखने लायक है दोस्तों, दूर दूर तक यहाँ पे जो है
हरे भरे मैदान है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और ऐसे में आके जो है यहाँ से जाने का मन नहीं करता दोस्तों, क्योंकि यहाँ की जो नेचुरल वाइब है वो कुछ अलग ही प्रकार की होती है। और ऊपर पहाड़ों में आप देख सकते हैं यहाँ कोहरा छाया हुआ है। यह है चूड़धार की चोटियाँ जो कि यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से लगभग 2 या 2.5 घंटे की और जो ये ट्रैकिंग है, अगर आपको इस रास्ते से चूड़धार जाना है दोस्तों तो यहाँ से आप सीधे जा सकते हैं। और ये लास्ट में जहाँ आपको कोहरा दिख रहा है वहाँ पर है चूड़धार की चोटी। और यहाँ से लगभग एक अप्रोक्सीमेट टाइम लग गया 2 या 2.5 घंटे यहाँ से टोटल चूड़धार तक जी। तो कैसा लग रहा है आपको इतनी चढ़ाई चढ़ के? बहुत शानदार। इतनी जो ट्रैकिंग करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बस नीचे से ऊपर तक आ गया था, हंसी दर्द। और आपको कैसा लग रहा है? आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने जहाँ ये धुंध दिख रही है आपको वहाँ छिपा है चूड़धार की चोटी। से जो ये हमारी पास जनरल हो चुकी है। और इस पेड़ की वजह से जो है दोस्तों, ये पेड़ है ये टूट के जो है यहाँ आ गया है। तो ये पाई के जो यहाँ पर मतलब हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ हम इसको फिक्स करेंगे उसके बाद। हम अभी जा रहे हैं यहाँ से थोड़ा ही दूर जो है सोर्स है, और ये हम आग भी यहीं से जला के ले जा रहे हैं। आप आइए देख सकते हैं। और यहाँ से थोड़ी ही दूर है दोस्तों, यहाँ देखिए इस तरह के पेड़ जो है बिल्कुल पानी के साथ ये बह के आए हुए दोस्तों। और यहाँ का हमने जो काम है वो कंप्लीट कर लिया है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस कार की, यहाँ पे पानी है ये आप देख सकते हैं। और ये चारों साइड का एरिया भी आप देख सकते हैं, ये इतना सारा पानी अभी यहाँ पे भी है, ये आप देख सकते हैं इस तरह का पानी है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं ये कितनी स्टीव जो है यहाँ पे चोटी है। और यहाँ एक झरना भी है पीछे की ओर जो यहाँ से आपको नहीं दिखेगा, पर यहाँ जो है इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, कम से कम 600 या 700 मीटर जो यहाँ से हाइट है। यहाँ टॉप्स है और नीचे तक जो है ये बिल्कुल न्यूट्रल में जो है। और यहाँ जो है बहुत ही डेंजर जगह पर हम खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ अभी। और ये मेरे दोस्त लोग आगे जा चुके हैं। और अभी यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह का दोस्तों, ये आप खुद ही देख सकते हैं। तो मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि किस जगह पे जो है मैं दोस्तों खड़ा हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर, और पूरा दिन लगाने के बाद अब भूख भी महसूस हो रही है दोस्तों। तो इस वीडियो को जो हम यहीं पे समाप्त करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।